देखो जरा चीज़ों को काम कैसे करना है। अभी कल जो हम लोगों ने क्लास में चीज़ सीखी थी वो क्या थी, सर्ड्स के हमने बेसिक सीखे थे, यानी कि सर्ड्स जो रहता है उस सर्ड्स को आप किस तरीके से एडिशन कर सके हो, एडिशन कर सकते हो आप, उसके बाद किस तरीके से उसका सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो, उसका स्क्वायर निकाल सकते हो, ब्रैकेट ओपन करना कर सकते हो। अब यहाँ का जो अभी अपना आज की क्लास रहेगी वो चीज़ ये रहेगी कि सर्ड्स में ऑपरेशन करना तो हम सीख गए, अब लेकिन जो मीनिंग है सर्ड्स आखिर है क्या ये पता होना भी ज़रूरी है ना। आखिर किस चीज़ को हम सर्ड्स कहते हैं। अगर तुम अपना NCERT खोलोगे, NCERT में तुम्हें सर्ड्स की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, सर्ड्स का इवन वहाँ पे नाम भी नहीं है। बट जो काम अपन रैशनलाइजेशन में करते हैं वहाँ एक टॉपिक है तुम लोगों को रैशनलाइजेशन, मैंने कल भी बताया था, आज हम उसे स्टार्ट कर लेंगे इस वाले वीडियो के बाद। वहाँ पे कैसा है, आपको रैशनलाइजेशन करने से पहले आपको रूट्स के ऑपरेशन करते आने चाहिए कि एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और उसके अलावा फिर तुम्हें ये आना चाहिए करके कि किस तरीके से उसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जब तुम्हारा हो जाए तो फिर उसको ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं। बट आखिर सर्ड है क्या ये पता करते हैं। अभी देखो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 25 और अंडर रूट ऑफ 36, अंडर रूट ऑफ 49 डॉट 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 एक्सेट्रा 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 मैंने लिख दिया है। इन सारे नंबर्स को देखकर क्या बात समझ में आती है कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि क्या है तो तुम उसमें तपाक से आंसर दोगे, अरे अंडर रूट ऑफ 4 कोई और नहीं बल्कि 2 है, अंडर रूट ऑफ 9 को तुम कहोगे कि ये 3 है, अंडर रूट ऑफ 16 को कहोगे कि 4 है, अंडर रूट ऑफ 25 को कहोगे कि वो 5 है, और अंडर रूट ऑफ 36 को कहोगे कि 6 है, और अंडर रूट ऑफ 49 को कहोगे कि वो 7 है। तो तुम ये देखो यहाँ मैंने अंडर रूट के अंदर, अच्छा अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे कैसे पता है यहाँ पे स्क्वायर रूट ही लिखना है, वो ऐसा क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है कि जैसे इस तरीके का कभी कोई पैटर्न आए, ये ऐसा पैटर्न ठीक है, ये ऐसा पैटर्न, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो ये मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया। अगर लेकिन क्वेश्चन अगर मेरे को इस फॉर्मेट में दे दिया जाए ये ऐसे, तो यहाँ पर तुम यह ध्यान देना, अभी सभी लोगों ने ऑलमोस्ट अपने सिवाय आदित्य को छोड़कर सभी लोगों ने यहाँ गड़बड़ी की थी करके लिखने में, ये 3 मैं कहाँ लिख रही हूँ, और देखो तुम गधेड़े लोग कहाँ 3 लिखते हो, ठीक है वो 3 थोड़ा ठीक से लिखना अगली बार से, अदरवाइज़ वो चीज़ कैसे गड़बड़ा जाएगी। अगर मैं अब यहाँ लिखूँ तो तुम क्या कहोगे कि अरे यहाँ पे 8 तो किसी का स्क्वायर रूट ही नहीं होता है, तो मैं पहली बात तो यहाँ पे तुमसे स्क्वायर रूट पूछ भी नहीं रही हूँ मैं, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे क्या लिख के दिए हैं उसको ऑब्जर्व करो, तुम्हें यहाँ लिख के दिया गया है 3, यानी कि तुमसे पूछा जा रहा है क्यूब रूट, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि अच्छा 8 का क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, 64, ये वाली जो चीज़ है इसमें भी तुमसे क्यूब रूट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे जब क्यूब रूट बताया गया तो तुम क्या बोलोगे कि 64 ये तो 4 का हो गया, 125 ये तो 5 का हो गया। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो हमको वर्ड लिख के आता है वैसा काम हम करते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे लिख दूँ 16 और यहाँ कुछ ना लिखूँ, या फिर चलो लिख देती हूँ 2 और यहाँ पे लिख दूँ मैं 16 बट यहाँ लिख दूँ मैं 4, तो देखो दोनों के आंसर्स बदल जाएंगे। कैसे क्यों कैसे बदल जाएंगे, 16 में जैसे अगर कोई मुझे पूछेगा, कल मैं तुम्हें बताई हूँ अभी फ़िलहाल तो बच्चों जैसे बता दे रही हूँ, 16 इसका अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये चीज़ प्राइम फैक्टराइज हो होकर देखो इस तरीके से आने वाली है, ठीक है। ये ऐसे तुम फाइनल रिजल्ट तक पहुँचो, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब मुझे कितने के पेयर बनाने, 2 का पेयर बनाना है, ये 2 2 का पेयर बनाया उसको हमने एक बार लिखा, अगेन फिर इन दोनों 2 का पेयर बनाया उसे भी एक बार लिखा, और अब कोई नंबर बचा नहीं है पेयर बनाने के लिए, तो फिर रूट गायब हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से मुझे आंसर आ गया कि अंडर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मेरे पास कितना होता है 4 होता है करके, ठीक है। तो देखो वैसे भी हमें पता था कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है यहाँ पे क्योंकि नंबर 4 लिखा है तो इसका मतलब होता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने के बाद 4 का पेयर बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब तुम 4 का पेयर बनाने गए तो ये देखो ये 4ों के 2, ये 4 2 ही थे तुम्हारे पास, तुमने 4ों 2 का पेयर बना दिया और 4 के बदले में सिर्फ एक ही 2 लिखेंगे तो इसका आंसर आया 2। तो तुम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे अंदर में देखो 16 लिखा था,
यहाँ पे भी क्वेश्चन में अंदर में 16 लिखा था, बट दोनों के जो आंसर्स हैं, एक का आंसर 4 आया है, एक का आंसर 2 आया है, बराबर। तो वो ऐसा वेरिएशन आंसर में तुम्हें क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज ये वेरिएशन इसलिए आया क्योंकि बाहर में जो ये नंबर लिखा है, यहाँ ही वो नंबर लिखा है 2 और यहाँ पे वो नंबर लिखा है 4। तो सर्ड्स को सीखने से पहले उसकी जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो हमको सीख लेनी चाहिए। वो बेसिक टर्मिनोलॉजी देखो क्या है। अगर आपको कल को ऐसा एक सिंबल दे दिया जाए, ठीक है, अगर ये वाला सिंबल मान लेते हैं आपके पास ऐसा है, ये ऐसा सिंबल आ गया, तो पहले तो ये जो सिंबल है इस सिंबल को कुछ कहते हैं। अब ये सिंबल का मीनिंग क्या है, इसका नाम क्या है? ये जो सिंबल है इस सिंबल का कहा जाता है, हम लोग इसको कैसा अंडर रूट बोलते हैं, वैसे वो कहलाता अंडर रूट नहीं है, इसे कहते हैं रेडिकल का साइन। इसका नाम होता है रेडिकल, बराबर। इसका नाम क्या है? रेडिकल। अब इस रेडिकल के इस तरफ मैंने लिख दिया एक नंबर, जैसे यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है 2, यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है मैंने 4। तो जैसे मैंने मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है 11, ठीक है। तो ये जो नंबर यहाँ लिखा रहता है, यहाँ समझ लो, ये गलती मत करना, जैसे अगर मैं यहाँ 11 लिखूँ तो ये 11 का अलग है और ये 11 अलग है। ये देखो कहाँ लिखा गया है, ये ऐसा जो अपन ने कर्व बनाया है उसके अंदर, और ये कहाँ लिखा है ऐसे बाहर। तो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये वाली चीज़, ये 11 जो यहाँ लिखा गया है, इस 11 को कहा जाता है इसको कहा जाता है इंडेक्स, या फिर इसे कहा जाता है ऑर्डर। ये तुम्हारा इंडेक्स है तो ऑर्डर है। अब इसमें अंदर में यहाँ पे जैसे कौन सा नंबर लिखा था 16, अंदर में मैं कोई भी एक नंबर लिख देती हूँ, मान लेते मैंने नंबर लिख दिया 216, ये मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको 216 लिख दी हूँ, तो ये जो नंबर अंदर लिखा हुआ है इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, आपका रेडी कैंड, बराबर। इसे क्या कहते हैं? रेडी कैंड। अभी टोटल मतलब ये चीज़ों में देखो क्या क्या चीज़ें आ गई, एक रेडिकल आया है, एक रेडी कैंड आ गया है, और एक इंडेक्स और ऑर्डर आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट जो हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए करके। तो पहले देखो क्वेश्चन हम पहला हमारा क्या रहेगा, जैसे कुछ हम लोगों को सर्ट्स आपको दिए हुए हैं, जैसे मैंने एक दिया है ये ऐसा 7, ये 3, उसके बाद यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 12, यहाँ दिया है तुम्हारा 4th ऑर्डर, यहाँ दिया है 10th, फिर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 39 और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 18। तुम्हें यहाँ पे इन सब की आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर कितना कितना है। तो जब तुम इसका ऑर्डर आइडेंटिफाई करोगे तो ऑर्डर का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ जो नंबर लिखा है इसको ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि किस किस को ऑर्डर कहा जा सकता है, इसको ऑर्डर कहा जा सकता है, इसको ऑर्डर कहा जा सकता है, इसको ऑर्डर कह सकते हैं। तो ये वाले जो सवाल हैं इनमें देखो ऑर्डर का आंसर देना कितना आसान है कि इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की ऑर्डर है वो कितनी है 3। सेकेंड वाले को स्किप करो फिलहाल। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका ऑर्डर कितना है 4। उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ऑर्डर कितना है 3। लेकिन अब यहाँ देखो ये बीच में ना दो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, इनमें ना वहाँ कोई नंबर ही नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखी, कोई एकदम ब्लैंक है जगह, कोई नंबर नहीं है वहाँ, यहाँ कोई नंबर नहीं है। तो जब कोई नंबर वहाँ पे नहीं होता है तो इसका मतलब वहाँ पे 2 होता है, बराबर। ऑर्डर शुरू ही कहाँ से होती है? 2 से होती है। कभी तुमने सुना है क्या कि 1th रूट निकालना है? हमेशा अपन क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, बराबर। 8th क्लास से पढ़े हो स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तो वैसे ही आप बोलोगे कि स्क्वायर रूट निकालना है या फिर क्यूब रूट निकालना है। कभी ये नहीं बोलोगे कि मुझको 1th रूट निकालना है। तो अपनी ऑर्डर जो होती है वो शुरू ही 2 से होती है, ठीक है। तो जब कुछ नहीं लिखा है ऑर्डर की जगह पर तो इसका मतलब वहाँ पे ऑर्डर यानी कि वहाँ पे नंबर जो है वो 2 है। तो ऐसी जगहों पे तुम्हें कभी भी दिखाने की नीड नहीं पड़ती है 2 लिखने की। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ 51 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये इस क्वेश्चन का क्या है, ऑर्डर हो गया। और ये जो 51 जो उस साइन के अंदर लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपना रेडी कैंड। वैसे ही एग्जाम्पल में ऐसे मान लेते हैं यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो ये वाला जो 4 है ये अगेन मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा ऑर्डर कहलाएगा। और ये जो 16 है ये मेरा क्या कहलाएगा, रेडी कैंड कहलाएगा। और लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने लिख दिया है यहाँ पे आपका 22/7, तो यहाँ तो बाहर में कोई नंबर ही नहीं लिखा है। तो अगर वहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे 2 है। आपको 2 कभी भी लिख के दिखाने की नीड नहीं होती है ऑर्डर की जगह, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑर्डर बराबर कितना है 2। और यहाँ पे रेडिकेंट तो जो दिया है वही है तुम लोगों का, डेट इज़ 22/7। तो आई होप
कि तुम्हें अभी क्वेश्चन में ऑर्डर पहचानना आ गया है, और अगर कहीं पे आपको ऑर्डर ऐसे लिख के नहीं दिए 3, 4, 5 तो समझ जाना वहाँ पे ऑर्डर कितनी है आपकी, 2 है। अभी उसके बाद अब मुझे करना क्या है, अभी करने की नीड ये है कि मुझे कुछ जानना है कि सर्ट्स हम किसे कहते हैं। तो देखो अभी जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन लिख के आ जाए, ये 256, ठीक है ये मैंने लिख दिया। तो देखो ये क्या है, मेरा रेडिकेंड है बराबर, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन की ऑर्डर कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। इसका मतलब है मुझे पेयर कितने के बनाने हैं, 2-2 के पेयर बनाने। मैंने पेयर बनाना शुरू कर दिया, ये लो 256, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ये आ गया 128, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया 64, ये 2, यहाँ पे आ गया 32, यहाँ पे 2, ये 16, और उसके बाद और ऐसे सिंप्लीफाई करते करते एकदम बच्चों के जैसे हम लोग ये पहुँच गए एकदम नीचे तक। अभी तुम्हें जोड़ी कितने की बनानी है, 2-2 की। ये 2-2 है, इसकी जगह पे मैंने लिखा 1-2, ठीक है। उसके बाद अगेन ये 2-2 है, इसकी जगह पे मैंने लिखा 1-2। उसके बाद अगेन ये दोनों 2 है, इसकी जगह पे लिखा 1 और 2। ये अगेन 2-2 है, इसकी जगह पे लिखा 1 और 2। कोई अंडर रूट देने की नीड नहीं होती जब हम जोड़ी के फॉर्मेट में लिखते हैं, हाँ। और लेकिन जो अब देखो आखिरी में तो कोई नंबर बचा ही नहीं, तो ऐसे में अंडर रूट कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम लोगों का, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। और अगर तुम्हें याद होगा तो 256 किस चीज़ का स्क्वायर रूट होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है, बराबर। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि अंडर रूट ऑफ 256 को जब हमने सॉल्व किया तो फाइनल आंसर जो निकला, उस फाइनल आंसर में रूट गायब हो गया, बराबर। उस फाइनल आंसर में क्या हो गया, रूट गायब ही हो गया। तो ऐसी चीज़ें जिनके फाइनल आंसर को सॉल्व करने पर रूट कम्प्लीटली गायब हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि वो लोग सर्ड नहीं है, बराबर। यानी कि अगर अंडर रूट गायब हो जाए फाइनल आंसर तक पहुँचते पहुँचते तो वो सर्ड नहीं है, और अगर अंडर रूट बच गया या रह गया तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वो सर्ड है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है, ये स्क्वायर रूट उठा लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 168, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये क्या ये सर्ड है कि नहीं है, तो फटाफट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके एकदम जल्दी से पता लगा लेते हैं क्या इसके पास कोई रूट में क्वांटिटी बच रही है कि इसके पास कोई क्वांटिटी नहीं बच रही। तो यहाँ तक हम पहुँचे, अब हमारा काम था जोड़ी बनाने का, ठीक है। हम जोड़ी बनाना शुरू करते हैं, तो इन 2-2 की, अच्छा 2 की जोड़ी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर बराबर कितना है, 2। और अगर ऑर्डर बराबर 2 है तो आपको 2-2 की जोड़ी बनानी है, ठीक है। तो 2 की जोड़ी बनाओगे तो एक ही बार 2 लिखा, इसकी कोई जोड़ी नहीं बन रही, तो जिसकी कोई जोड़ी नहीं बनती है उसको अंडर रूट में डाल देते हैं। इसकी भी कोई जोड़ी नहीं बन रही तो इसको भी अंडर रूट में डालेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। इसकी भी कोई जोड़ी नहीं बन रही तो इसको भी अंडर रूट में डाल देंगे। अब तुम ये देखो, क्या तुम्हारा पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या अंडर रूट डिस अपीयर, यानी कि गायब हुआ क्या, नहीं हुआ। अंडर रूट ऑफ 42 अभी भी बची गया है, ये गायब ही नहीं हो पा रहा है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या नहीं कर पा रहे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इस टाइप के अंडर रूट में हम लोग फाइनली 2 को तो बाहर निकाल पाए, लेकिन उसके बाद अंडर रूट ऑफ 42 को हम लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम लोग इसके जो रेडिकल का जो साइन है, ठीक है, रेडिकल का जो ये सिंबल है, ये जो साइन है, वो अब फाइनल आंसर में से गायब नहीं हो रहा है, वो डिसअपीयर नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग फिर क्या कहते हैं कि हाँ ये लोग कौन है, सर्ड है। तो जो चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हो पाती फर्दर या कम्प्लीटली, या फिर जिसमें से रेडिकल का साइन तुम डिसअपीयर नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी, सर्ड कहलाती हैं। अब इसमें देखो एक कॉमन गलती लोग करते हैं, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँगी क्या ये वाला क्वेश्चन सर्ड है, क्या इसको पता लगाओ क्या ये सर्ड है, तो तुम इसको सिंप्लीफाई करने पहुँचे, पहले तो यहाँ देख लो कि ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर बराबर यहाँ पे कितना है, 2। इसका सिंप्लीफिकेशन दिया, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, ये हो गई तुम्हारी ऑर्डर। अब इसमें ऑर्डर क्योंकि 2 है तो 2-2 की जोड़ी बनानी है, इन 2 की जोड़ी बनाए, वो एक बाहर लिख दिया, इसकी कोई जोड़ी नहीं बन रही, बेचारा अंदर ही रह गया, ऐसे। तो क्या इसका रूट डिसअपियर हुआ क्या, नहीं, इसका रूट डिसअपियर नहीं हो रहा है। तो जिस चीज़ का रूट डिसअपियर नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो चीज़ कौन है आपकी, सर्ड है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 8 को आप सर्ड 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 बोलने लगोगे। अगर मैं सिर्फ एक नंबर लिख दूँ ना 8,
तो वो सर्ड है या सर्ड नहीं है इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बैठता है। सर्ड ये जो भाषा है ये तभी यूज़ की जाती है जब रेडिकल का साइन हो। विदाउट रेडिकल का साइन अगर सिर्फ एक नंबर रखा हुआ है तुम्हारे सामने तो उसमें ये बातचीत नहीं की जाती कि क्या ये तुम सर्ड हो क्या तुम सर्ड नहीं हो। रेडिकल का साइन होना नेसेसरी है। तो अब जैसे मैंने माने थे यहाँ पे 8 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं 3 लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इस क्वेश्चन में फिलहाल ऑर्डर बराबर कितना है 3। मतलब अगर मुझे पेयर करने को बोला जाए तो मुझे कितने की पेयरिंग करनी है 3 की। तो मैं चली 3 की पेयर करने। तो जैसे हम लोग 3 की पेयर करने जाए देख रहे हैं कि 8 के पास तो 3 2 ही है। तीनों को पेयर कर दोगे तो कितना 2 1 लिख देंगे। एक अब तो कुछ बचा ही नहीं, देखो नीचे पूरा खाली है, ये पूरा ब्लैंक है। 2 के बाद तो कोई दूसरा नंबर ही नहीं है। तो जब कोई नंबर ही नहीं है तो अंडर रूट में किसको डालोगे? जो नंबर पेयर नहीं हो पाता उसको अंडर रूट में डालते हैं। इसके पास तो कोई नंबर ही नहीं है तो इसके पास अंडर रूट भी नहीं आएगा। तो तुम ये देखो ये फाइनल आंसर के अंदर में से जो है वो पूरा का पूरा रेडिकल का साइन गायब हो गया। अब क्योंकि इसमें से रेडिकल का साइन गायब हो गया तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम इसे क्या बोलेंगे, नॉट अ सर्ड। तो ऐसा कोई नियम नहीं होता जैसे अगर मैं बोलूँगी 2 एक प्राइम नंबर है तो ये नियम है सो ये है। ये ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए प्राइम नंबर है और हो सकता है किसी सेकंड पर्सन या फोर्थ पर्सन या थर्ड पर्सन या इन्फाइनाइट नंबर के पर्सन के लिए वो कंपोजिट बन जाएगा। वो है सो वो है। बट यहाँ ऐसा नहीं। अगर तुम बोलोगे कि 8 एक सर्ड है या 8 एक सर्ड नहीं है तो ये बात गलत है। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त ऑर्डर कितना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और फिर डिसाइड करना है क्या उसका अगर रेडिकल का साइन गायब हो रहा है तो वो सर्ड है, अगर उसका रेडिकल का साइन गायब नहीं हो रहा है तो फिर वो सर्ड नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करने को आया कि कौन सा वाला चीज़ को आप सर्ड कहोगे और कौन सी चीज़ को आप सर्ड नहीं कहोगे तो यहाँ देख लो। फिर इसके कुछ क्वेश्चन मैं दूंगी जिसको तुम कर लेना। ठीक है, जैसे अभी यहाँ दिया है ये 7 और यहाँ दे दिया है मैंने 3। अभी इस चीज़ को यहाँ पे ऑर्डर बराबर कितनी है 3। इसका मतलब अगर मुझे पेयर करना रहे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो मैं कितने का पेयर बनाऊंगी 3 का। अभी मैं 7 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाते हैं 3 तो छोड़ो, इसका तो 2 का भी पेयर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसमें कोई पेयरिंग नहीं हो सकती, मतलब ये 7 बाहर ही नहीं आ पा रहा है कुछ। तो जो जैसा है वो वैसा ही रह गया। क्यों वैसा ही रह गया? क्योंकि पेयर ही नहीं बन रहा है। पेयर बना के तो बाहर लिखते थे उसको रूट के, पेयर ही नहीं बन रहा है। तो जब पेयर नहीं बन रहा है और रूट अभी भी बच गया है तो जब रूट बच जाता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सर्ड। तो ये तुम्हारा सर्ड है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, यहाँ पे 27 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है। तो अभी 27 का अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ये 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और ये 1। क्योंकि इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3, तो ऑर्डर इसका क्योंकि 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे कितने की जोड़ी बनाएंगे, 3 की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 3 की जोड़ी बन रही है और तो उसको लिख दिया अपन ने 3 के बदले में सिर्फ एक नंबर, लेकिन आगे तो कोई नंबर ही नहीं बचा। मतलब अंदर में जो रेडिकल के साइन के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब नंबर ही नहीं है तो रेडिकल का साइन भी नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे कि ये वाली चीज़ आपकी सर्ड नहीं है, नॉट ए सर्ड। ये आपका सर्ड नहीं है, इस चीज़ को आप सर्ड नहीं कह सकते। तो वैसे ही और भी अपन एक या दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। उस एक या दो एग्जांपल के वाया ये समझते हैं कि किस चीज़ को सर्ड कहा जाता है या किसे नहीं कहा जाता। जैसे अंडर रूट ऑफ 98 है, तुम्हें ये पहचानना है क्या ये सर्ड है कि ये सर्ड नहीं है, ये मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ऐसे केस में इसका थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 49, ये 7 7 49 7 1। यहाँ पे देखो कोई नंबर नहीं लिखा है, तो अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर बराबर कितना है 2, यानी कि आपको कितने का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाना है। तो जब मैं 2 का पेयर बनाऊंगी तो इन दोनों का मिलाकर हो गया 1 7। अब इस बेचारे का कोई पेयर नहीं बन पा रहा है तो ये बेचारा रह गया तुम्हारे अंडर रूट के अंदर में ही। तो अभी फाइनल आंसर से अंडर रूट गायब नहीं हुआ। अब फाइनल आंसर से क्योंकि अंडर रूट गायब नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन में हम इसे कहेंगे कि ये नॉट अ सर्ड है। ठीक है, तो ये तुम लोगों का सवाल था। अब क्वेश्चन इसमें एक टाइप का अभी हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि अगर आपको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गया, लेट्स से ये ऐसा आ गया, ठीक है ये ऐसा लिख दिया मैंने, यहाँ एन लिख दिया या ए लिख दिया, तो किसको क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये ए होता है जो साइन के अंदर जो लिखा है इसे कहा जाता है रेडिकेंड। यहाँ पे जो चीज़ ये लिखी हुई है इसे क्या कहा जाता है, रेडिकल का सिंबल है ये। यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी जाती है इसे कहा जाता है ये ऑर्डर है, जैसे मैं तो ऑर्डर ही बोलती हूँ, कुछ लोग इसे इंडेक्स भी कहते हैं, ये इंडेक्स है आपकी।
और इस कंप्लीट चीज को, ठीक है, इस कंप्लीट चीज को, इस पूरी चीज को अगर इसका रूट का साइन गायब नहीं होता है तो इसी कंप्लीट चीज को, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। तो आई होप कि तुम लोग अब सर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पहचान जाओगे कि किस चीज़ को सर्ड कहते हैं और किस चीज़ को सर्ड नहीं कहते हैं। इवन अगर क्वेश्चन दिया जाए कि आइडेंटिफाई करो ऑर्डर कितना है, तो वो सब भी तुम लोग अब कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपके पास सर्ड्स के दो टाइप है, ठीक है, जैसे सर्ड्स के दो क्लासिफिकेशन किए गए, एक होता है तुम्हारा लाइक सर्ड्स और दूसरा होता है आपके अनलाइक सर्ड। अब लाइक बोलूँ कि अनलाइक बोलूँ, वो सर्ड तो रहेगा, सर्ड रहेगा मतलब अगर वो कुछ भी कर लो फाइनल आंसर में से कभी भी उसका रेडिकल का साइन डिसअपियर नहीं होगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना किसको मैं लाइक कहूँगी। लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है 5√2 और यहाँ लिखा है 7√2, तो तुम ये देखो बाहर चाहे कुछ भी लिखा हो, ये बाहर चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, ये जो अंदर में जो ये रेडिकेंड होता है, ये जो रेडिकेंड होता है, ये दोनों नंबर्स का क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये रेडिकेंड दोनों लोगों का सेम है तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे कि वो चीज़ कौन है, आपकी लाइक सर्ड है, ठीक है। उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, लाइक सर्ड, या फिर उसे कहा जाएगा सिमिलर सर्ड्स, बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा लाइक सर्ड या फिर सिमिलर सर्ड्स, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √2, −3√2, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से लाइक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके आगे कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 है और इसके आगे कौन सा नंबर है 3, इससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर अलग भी होंगे चलेगा, लेकिन उसमें मैटर ये करेगा अगर उसमें कि उन दोनों की जो ऑर्डर है, ऑर्डर दोनों की आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल, ठीक है, ऑर्डर का मतलब समझते हो। और उसके अलावा जो उनके अंदर का रेडिकेंड्स है, वो रेडिकेंड्स भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिख रही, तो जब ऑर्डर नहीं दिख रही है मतलब ऑर्डर बराबर कितनी है 2, यहाँ पे भी तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिख रही, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑर्डर बराबर कितना है 2, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रेडिकेंड कितना है, इसके अंदर जो नंबर लिखा है ये कितना है तुम्हारा 2, और यहाँ पे भी जो नंबर लिखा है वो भी कितना है आपका 2, यानी कि दोनों के रेडिकेंड और दोनों के ऑर्डर इक्वल अगर होंगे तो उस सर्ट को फिर हम लोग कौन सा वाला सर्ट कहेंगे, आपका लाइक सर्ट। तो ऑर्डर इक्वल है, रेडिकेंड इक्वल है, तो वो सर्ट फिर कौन सा वाला सर्ट कहलाता है, लाइक सर्ट कहलाता है। अब जैसे क्वेश्चन मान लेते मेरे से पूछा गया कि पता लगाओ √45 और √80, ठीक है, ये लाइक सर्ट्स है कि नहीं है, तो तपाक से अपना मुंह खोलकर जवाब मत दे देना कि नहीं है, लो लाइक सर्ट्स नहीं है, क्योंकि अंदर में तो 45 है और एक की जगह 80 है। कल भी मैंने तुमको ये चीज़ बताई थी कि कभी भी अगर तुम्हें सिंबल के अंदर में कोई बड़ा नंबर दिखता है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे 45 का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो गया 9 5, ठीक है, वैसे 9 5 नहीं करना चाहिए, हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे इस केस में, ठीक है, ये वाली चीज़ में, जैसे अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो ये हो गया 5 9, फिर 9 को मैं कर देती हूँ 3 और यहाँ पे कर देती हूँ 1। तो देखो अभी पहले तो ऑर्डर पहचान लो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर बराबर कितनी है आपकी 2, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इसके भी ऑर्डर बराबर 2 है, दो दो की जोड़ी बनानी है, तो इन दोनों 3 की जोड़ी बन रही है तो उसको 1 3 लिखेंगे, इस बेचारे 5 की कोई जोड़ी नहीं बन रही है तो ये 5 आपका अंदर ही रह गया ऐसे। तो यानी कि देखो जो तुम्हें √45 इतना बड़ा सा नंबर दिख रहा था, बल्कि वो और कोई नहीं बल्कि वो 3√5 है, वैसे ही जो √80 है इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो जब तुमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मैंने इसको स्टार्ट किया लेट से 2 के टेबल से, तो ये 2 और ये 40 हो गया, ये 2 यहाँ पे 20 हो गया, 2 फिर ये 10 अगेन एक 2 और यहाँ पे 5 और फाइनली 5 1 5, दो दो की जोड़ी बनाना है क्योंकि ऑर्डर बराबर 2 है। इन दोनों की इस जोड़ी में एक नंबर एक ही बार लिखेंगे, इन दो के बदले में सिर्फ एक बार लिखेंगे और ये 5 आपका ऐसे जो जोड़ी नहीं बना पाया उस बेचारे को कहाँ डाल देंगे तुम लोगों के अंडर रूट के अंदर। तो अभी बाहर में जो 2 2 सा कितना हो गया है तुम्हारा 4 और √5 वैसे का वैसे। तो अब देखो चेक करो जना, यहाँ पे ये इसके बदले आ गया और √80 के बदले ये आ गया। लाइक सर्ड्स की कंडीशन क्या होती है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यहाँ पे तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा है, ऑर्डर का मतलब होता है जो यहाँ लिखा गया है, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है मतलब 2, यहाँ पे भी कोई नंबर लिखकर नहीं आया है क्वेश्चन में, इसका मतलब ऑर्डर बराबर कितना है 2,
दोनों की ऑर्डर सेम है, अच्छा है, दोनों का रेडिकेंड इक्वल होने चाहिए. रेडिकेंड्स मतलब जो अंदर की तरफ लिखा हुआ नंबर है. इस क्वेश्चन का जो रेडिकेंड है वो कितना है आपका अंदर की तरफ लिखा हुआ 5, और इस क्वेश्चन का जो रेडिकेंड है वो कितना लिखा हुआ है अंदर में 5. तो क्योंकि दोनों का ऑर्डर और दोनों का रेडिकेंड सेम है, इसलिए तुम कह सकते हो कि अंडर रूट ऑफ 45 एंड आपका अंडर रूट ऑफ 80, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, लाइक सर्ट्स है. तो कभी भी सर्ट्स को लाइक या फिर अनलाइक तुम इस बेसिस पे नहीं कर सकते कि उसको देख लिया. अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है. ठीक है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे तो ही अपन बोलेंगे कि वो लाइक सर्ट है, बराबर. ठीक है, अभी नेक्स्ट में जैसे क्वेश्चन अगर मैं तुमको दूँ कि ये पहचानना है लाइक अनलाइक करके, तो एक या दो क्वेश्चन मैं करा के दे रही हूँ, बाकी मैं फिर तुम्हें होमवर्क में शीट में दे दूँगी करके. तो जैसे ये पहचान है अंडर रूट ऑफ 52 और यहाँ लिखा है 5 रूट 13, इनको पहचानना है कि ये लाइक है कि अनलाइक. तो देखो 13 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स को आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते. ठीक है, प्राइम मतलब वो अपने अभी मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच चुका है, अब उसके साथ तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो बस जो है सो है. लेकिन 52 को तो हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं. 52 को स्प्लिट किए तो ये 2, यहाँ 26, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 1. तो देखो ये 2 2 हैं, ये 2 2 मिलकर क्या बन गया, 1 2. फिर ये 13 है जो कि पेयर में नहीं रह पाया, ये बह गया ऐसी अंडर रूट में. अब देखो दोनों के इसमें जो रेडिकेन का साइन है, रेडिकेन मतलब जो सिंबल के अंदर लिखा गया ये, इसको रेडिकेन कहेंगे इन दोनों को. दोनों के केस में रेडिकेन कितना है आपका 13. दोनों केस में भी ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर यानी कि यहाँ यहाँ क्या लिखा है, वहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है तो ऑर्डर कुछ नहीं है, मतलब 2. यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऑर्डर बराबर कितना हो गया 2. तो इस तरीके से ये वाला सर्ट भी तुम्हारा कैसा सर्ट हो गया, लाइक सर्ट. तो आई होप कि तुम्हें लाइक सर्ट पहचानना आता हो. अब जैसे एक नंबर यही देख लो, ये अंडर रूट में मैंने लिख दिया 247 और यहाँ लिख दिया 274. अब तुम ये देखना, अरे मैं इसको कितना भी सिंप्लीफाई कर लूँ, जैसे चलो अगर कर भी लेते हैं तुम्हारी इच्छा के लिए, तो 247 जो है वो तुम्हारा सिंप्लीफाई होने वाला में से नहीं है. ठीक है, वो जो है सो है, वो वैसे ही रहेगा. और 274 इनको उठा लिया, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, ये 274 तो फिर भी हो जाएगा. ये लोग आपके ऐसे ये सको, 247 को 2 के टेबल से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते. जो बचे हुए दूसरे नंबर्स हैं, लेट से 3 से कर लो, 3 से नहीं होगा. ठीक है, और उसके बाद अगर तुम बोलोगे इसको 9 से कर लो, तो ये जो है आपका 9 3, ये उससे भी नहीं होने वाला है. तो ऐसे केस में ये वाला फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, बाजू वाला लगे तो हो जाएगा 274. तो अगर बाजू वाले को कर भी लोगे तो क्या मतलब है, दोनों का रेडिकेंड कैसा आएगा, अलग अलग आएगा. जब दोनों का रेडिकेंड अलग आएगा तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये सर्ट कैसा है आपका, अनलाइक सर्ट है. एक और क्वेश्चन देखते हैं सर्ट्स के लाइक और अनलाइक को लेकर, और फिर तुम लोग इसको मेरे हिसाब से बना लोगे शीट में कि कैसे करना है करके. जैसे एक दिया हुआ है तुम्हें 68 अंडर रूट में ऐसे, और दूसरा दिया है 5 रूट 3 ऐसा दिया है. ठीक है, तो अब इसमें से सबसे पहले जो ये 68 है इसको सिंप्लीफाई करो, बाद में बातचीत करते हैं. तो ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई किया, ये 34, यहाँ पे 2, ये 17, यहाँ पे 17 17, तो इन दो की जोड़ी है तो 2 रूट 17 और यहाँ पे 5 रूट 3. अब देखो दोनों में ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपके इसमें यहाँ भी 2 है, इस क्वेश्चन में भी आपकी ऑर्डर बराबर 2 है. लेकिन इस क्वेश्चन में आपका रेडिकेंड जो है वो 17 है और इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा रेडिकेंड है वो कितना है, 3 है, बराबर. तो यहाँ पे ऑर्डर तो दोनों की इक्वल आ रही है बट रेडिकेंड इक्वल नहीं आ रहे, तो इसको फिर हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा सर्ड है आपका, अनलाइक सर्ड है. तो सर्ड लाइक होने के लिए ऑर्डर भी सेम आना चाहिए, रेडिकेंड भी सेम आना चाहिए. दोनों में से कोई एक भी अगर अलग अलग अगर हो गया तो उसको तुम लाइक सर्ड नहीं कहोगे. तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट नंबर 3, पहला कंसेप्ट हम लोगों ने क्या सीखा, वो डिफरेंट टाइप के नाम कि उस सिंबल को हम लोग रेडिकल बोलते हैं, उसके अंदर जो नंबर लिखा रहता है उसको रेडिकेंड कहते हैं, जो बाहर की तरफ लिखा रहता है उसे ऑर्डर या फिर इंडेक्स कहते हैं. पॉइंट नंबर 2, तुम कैसे पहचानोगे कि कोई चीज़ सर्ड है कि कोई चीज़ सर्ड नहीं है, सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करोगे, फिर जो नंबर दिया होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उतनी की जोड़ियाँ बनाओगे. एंड मान लेते हैं फाइनल सब जोड़ी वगैरह बनाने के बाद तुम्हें पता चल रहा है कि रेडिकल के साइन है ही नहीं, क्वेश्चन से फाइनली गायब हो गई, कुछ बचा ही नहीं रेडिकल का, तो वो चीज़ कहलाएगी कि मैं सर्ड नहीं हूँ. बट अगर रेडिकल का साइन बच गया, ठीक है, कोई नंबर है अभी भी रेडिकल के अंदर जो और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो तुम उसे बोलोगे कि वो सर्ड है.
तीसरा टॉपिक हमने ये सीखा कि सर्ट्स को लाइक या फिर अनलाइक हम कैसे डिसाइड करते हैं. तो सर्ट को लाइक डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि दोनों सर्ट्स का ऑर्डर और दोनों सर्ट्स में जो रेडिकेंट पार्ट है वो दोनों का सेम होना चाहिए. ठीक है, तो उसे लाइक कहेंगे. अगर ऑर्डर सेम है बट रेडिकेंट नहीं है तो उसे अनलाइक कहेंगे, और अगर रेडिकेंट है और ऑर्डर नहीं है तो भी उसको अनलाइक कहेंगे. दोनों का सेम होना ज़रूरी है. ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो कि अभी आज के वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा शायद. ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स. ये टॉपिक मुझे काफ़ी पसंद है. इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं और कुछ क्वेश्चंस इसके रहते हैं जो अच्छे खासे रहते हैं. उसको बहुत से लोग नहीं कर पाते कंपेयर. बस एक चीज़ अपने छोटे से दिमाग के अंदर तुम डालो, ये चीज़ तुम्हें कभी भी तुम्हारी NCERT में नहीं मिलेगी एंड मुझे ये लगता है कभी स्कूल के पेपर में पूछा जाएगा. लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले रहते हैं और जो ICSE बोर्ड वाले रहते हैं उन दोनों के सिलेबस में ये दोनों चीज़ें हैं. तो ऐसे केस में अगर तुमने भी रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो तुम्हें भी आना चाहिए. ठीक है, इतना बेसिक तुम्हें तो फिर कोई मतलब ही नहीं. अब तुम्हारी NCERT ने टॉपिक ही नहीं डाला तो अपन क्या कर सकते हैं. लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, तो इसीलिए इसको टॉपिक को डाल रहे हैं. देखो, कंपैरिजन ऑफ सर्ट क्या है. बचपन में हम वो काम करते थे जैसे 7 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, बीच में एक डब्बा बना हुआ रहता था और तुम्हें वो पुट द साइन करना पड़ता था. ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, तो अपन ने डाल दिया ये वाला साइन. तो वही काम हमें भी करना है. बस ये है कि हमारे पास अब नंबर के साथ साथ क्या रहेंगे, अंडर रूट्स भी आएंगे. तो अभी उसको कैसे कर रहे हैं हम लोग, देखो कंपैरिजन करते वक्त का कुछ खास नियमों का हमें ख्याल रखना है. मैं क्वेश्चंस के वायर सिखा रही हूँ, उसको ढंग से सीखोगे. जैसे मैंने एक लिया है 6√2 और दूसरा लिया है 5√5. तुम्हें पता लगाना है कि ये लोग कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये पहले वाला छोटा है कि दूसरे वाला छोटा है. तो कभी भी देखकर ये मत बोल देना कि पहले वाला छोटा है करके. बराबर, उसमें क्या करना, शांति से जो नंबर, देखो अभी तक तुम क्या करते आ रहे थे, जो नंबर आपको बड़ा सा अगर कोई नंबर दिया, लेट्स से अगर मैंने तुम्हें एक नंबर दे दिया है √216, तो तुम उसको प्राइम फैक्टराइज करके छोटा 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 जोड़ी बना बना के उसको छोटा करते थे. तो अभी आपको इसका जस्ट उल्टा करना है. यानी कि जैसे ये कोई बड़ा नंबर, ये ऐसे आपको ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है. ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. कल तुम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म का मैंने कहा था तुम्हें काम करने के लिए, प्रियांशु को छोड़कर बाकी किसी ने भी सिंपलेस्ट फॉर्म का काम नहीं किया है. वो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें वीडियोस में ही दिए थे. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. अभी तुम्हें इसको बड़ा करना है. देखो अंदर में 2 तो पहले से ही है. अब तुम खुद सोचो, ये 6 अंडर रूट के बाहर लिखा गया है. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ ये देख लो, 6 कहाँ लिखा गया है, अंडर रूट के बाहर. पहले तो यहाँ चेक कर लो ऑर्डर कितनी है. ऑर्डर कितनी है मतलब 2 है ऑर्डर. तो अगर ये 6 अंडर रूट के बाहर लिखा है, इसका मतलब ये है कि ज़रूर अंडर रूट के अंदर में ये 6 × 6 रहा होगा, है ना. 2 2 6 रहे होंगे, तभी तो बाहर आके क्या बन गया है, 1 6. तो हम इस 6 को अंदर ले गए. तो जब इस 6 को अंदर ले जाएंगे तो 1 6 के बदले हम कितने 6 लिखेंगे, 2. क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर बराबर कितना है, 2. इसीलिए अगर ऑर्डर बराबर 3 होता तो 3 लिखते. तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36. ये 36 × 2, ये चीज़ कितनी हो जाएगी तुम लोगों की, 72. यानी कि 6√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √72. ठीक है, वैसे ही सेम काम इसके साथ करो. यहाँ पे ऑर्डर बराबर कितनी दी हुई है इसकी भी, 2. ये दिया हुआ है 5√5. तो इसका मतलब जब ये 5 अंदर गया होगा, देखो पहले से अंदर में 1 5 तो है, उसको वैसे ही रहन दो. जो बाहर से अंदर जा रहा है उसको डबल कर दो क्योंकि ऑर्डर 2 है. तो ये 5 × 5, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 125. अब तुम खुद देख लो, 125 बड़ा होगा कि 72 बड़ा होगा. 125 बड़ा रहता है आपका, ठीक है, √125. 125 नंबर बड़ा है ना, 125 बड़ा है. और 125 बड़ा है इसका मतलब कौन बड़ा है आपका, 5√5 बड़ा. ये ऐसे कंपेयर करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे करना है. 8√3 और दूसरा दिया है 1√192. तो अभी ये जो √192 है, इसके बाहर में तो कोई नंबर ही नहीं है. ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमें बाहर से कुछ अंदर लाना ही नहीं है. बट यहाँ तो लिखा हुआ है 8. 8 को जो तुम अंदर लेकर आओगे, तो अभी क्योंकि इस क्वेश्चन में
यहाँ पे ऑर्डर बराबर कितना है आपका, 2, तो 8 × 8 हो जाना है उसने, और ये आएगा 3, तो ये हो गया 8 8 था तुम्हारा पहले 64, और ये 64 × 3 को उठा के डाल दो तो ये हो गया 12, और ये 192, देखो ये भी 192, ये भी 192, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो देयरफॉर आपका जो 8√3 है और जो अंडर रूट ऑफ 192 है, ये दोनों ही आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से तो मेरे हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हो तुम लोग। एक या दो सवाल हम लोग कंपैरिजन के और देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, फिर उसके बाद तुम लोगों को बन जाएगा। ये देखो सवाल, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है 5√5 और दिया है 7√2, इसे कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, इस 5 को अंदर उठा के लेके जाएंगे तो वो 5 अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में ऑर्डर कितनी है, ये है आपकी 2, तो 5 अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 5 × 5 × यहाँ पे भी 5, एक 5 क्योंकि पहले से था, वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्डर कितनी, 2, अंदर 7 × 7 × ये 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के बाद 125, और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगी 98। अभी कौन बढ़ा रहा है, ये वाला आपका 125 बढ़ा रहा है। अब अगर 125 बढ़ा है तो इसका मतलब कौन बढ़ा रहा होगा, 5√5 ग्रेटर है किससे, 7√2 से, तो ये ऐसे कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बस अब एक आखिरी टॉपिक इसी कंपैरिजन में सीखते हैं। ये वो सवाल हो गए जो बहुत ही ईजी थे, क्योंकि इन सवालों में तुम्हें जो यहाँ पे अंडर रूट दिया था, ये वाला और ये वाला, इन दोनों क्वांटिटीज़ के ऑर्डर सेम थे। बट अगर सवाल मान लेते हैं कुछ इस तरीके का आ जाए, जब आपके ऑर्डर्स अलग हो जाएं, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन आ गया इस तरीके का, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है 3 और यहाँ नंबर लिखा है 2, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है 4 और यहाँ लिखा है 3, फिर यहाँ पे अंदर में ऑर्डर यहाँ दिया है 5 और यहाँ पे दिया है फिर 4। अब कैसे करेंगे सवाल में, तुम देखो सबका ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है, ऊपर वाला टेक्निक लगाने के लिए सबका ऑर्डर कैसा होना चाहिए था, सेम। यहाँ तो ऑर्डर सभी का कैसा है, अलग अलग है, फिर क्या करना है इसको, तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, इन सारे ऑर्डर्स का जल्दी से क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना आता है, ठीक है, ये चीज़ सीखे हो, ये नहीं भी सीखे हो तो अभी सीख लेना छुट्टियों में बैठकर। मुझे नहीं पता कि कौन से लोअर स्टैंडर्ड में सीखे हो तुम लोग, बट मेरे हिसाब से तो सीखे होगे इसको, 1 1 और ये 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 और 4 5 20 20 × 60, इसका एलसीएम आया 60। अभी एलसीएम तो मैंने निकाल लिया है, अब एलसीएम निकाल लेने के बाद क्या करना है, अभी तुमको ये सोचने का है कि इमेजिन करो ये जो आपका 3 है, ठीक है, ये जो आपका 3 है, वैसे मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, ये जो आपका 3 है, इस 3 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इस 3 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये चीज़ 60 बन जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे इसको, 20 से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, बराबर। अगर मैंने उसको यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, उसको 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब क्योंकि इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अंदर में जो ये रेडिकेंड लिखा है इसकी पावर में भी तुमको 20 देना है, यस से। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये अंडर रूट है, ये 3 है, ये 4 है, अब 4 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो वाली चीज़ 60 बन जाए, तो वो 15 है, तो वही 15 मुझे यहाँ पर भी देना है, ये यहाँ पर, बराबर, ये 15 यहाँ पे भी आएगा हमारा। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे 5 है, 5 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 60 हो जाए, तो वो 12 है, तो यहाँ मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैसे ही मुझे 4 की पावर 12 भी देना है। तो तुम अब देखो ऐसा कर देने से मुझे फ़ायदा क्या मिल रहा है, अभी सभी के ऑर्डर देखो कितने हो गए, सभी के ऑर्डर कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके सभी के ऑर्डर 60 60 60, बराबर,
ये सबके ऑर्डर 60 आ गए, और जब सबके ऑर्डर 60 आ गए तो तुम अब ये निकाल सकते हो कि 2 की पावर 20 कितना होता होगा, ये ऐसे गधे समान मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है, इतना टाइम तो है नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर रही हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, अगर निकाल लेते तो हमें पता चल जाता करके कि कौन उनमें से बड़ा है कौन सा छोटा है। मैं इसका तुम्हें दूसरे क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। अभी जैसे इसमें पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे तुम्हें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 6√5, फिर एक है 7√3 और एक है आपका 8√2। तुम्हें इन्हें अरेंज करना है, तो सबसे पहले देख लो ऑर्डर कितनी है, तीनों के इसमें ऑर्डर आपकी 2 है, तो ये तो बहुत ही इजी वाला सवाल है। बस क्या करना है, 6 को अंदर भेजना है, 7 को अंदर भेजना है, 8 को अंदर भेजना है, तो 6 अंदर जाके कितने हो जाएंगे, 2, तो 6 × 6 × 5, डायरेक्ट 36 भी लिख सकते हो, 7 अंदर जाके क्या होगा, 7 × 7, उसको डायरेक्टली 49 लिख सकते हो, 8 अंदर जाके क्या हो जाएगा, 8 × 8 × 2, अब कर लो मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो तुम्हारा जो पहला है ये 6 × 6, ये कितना हो गया आपका 36, और उसके बाद 36 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये हो गया 180, फिर 7 से कितना हो गया 49, फिर 49 को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है तुम्हारे नंबर 3 से, तो ये हो गया 147, 8 का कितना हो गया 64, और फिर 64 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये हो गया 128। अब देख लो इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 180 है, 180 अगर सबसे बड़ा है इसका मतलब कौन सबसे बड़ा रहा होगा, 6√5, उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है 147, तो इसका मतलब कौन रहा होगा 7√3, फिर 128 यानी कि कौन रहा होगा 8√2, बराबर। तो इस तरीके से तुम सिंप्लीफाई कर लेना और उसमें फिर डिसाइड कर लेना करके कि कौन छोटा है और फिर कौन बड़ा है। अभी हम एक आधी क्वेश्चन वो वाले देख लेते हैं जिसमें आपका ऑर्डर जो होता है वो सेम नहीं होता, और जब तुम्हारा ऑर्डर सेम नहीं होगा उस केस में क्या करोगे। अच्छा एक क्वेश्चन पहले वाला देखो, जैसे यहाँ दिया है 2, यहाँ ये दिया है 4th, और यहाँ दिया है 6, फिर यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 4, और यहाँ दिया है 2, तो देखो दोनों ही क्वेश्चन में ऑर्डर सेम है, लेकिन ऑर्डर इस बार कितनी है 4, तो अगर यहाँ पे ऑर्डर 4 है तो जब तुम इस 2 को अंदर लेकर जाओगे तो 2 को एक या दो बार नहीं लिखोगे, इस बार इस 2 को तुम्हें कितनी बार लिखना पड़ेगा, ऐसे 4 बार। वैसे ही यहाँ पर जब ये 3 अंदर जाएगा तो 3 अंदर जाके ये कितनी बार लिखाया जाएगा, ये 4 बार लिखाया जाएगा, फिर तुम्हें इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 × 6 यानी कि ये हो गया अंडर रूट में, अच्छा ये 4 लिखते जाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ऑर्डर आपको 4 दिया है तो 4 लिखते जाना है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो तुम भी नहीं लिखते उसको तो चलता, तो ये हो जाएगा 96, और उसके बाद 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, और 81 × आपका हो गया यहाँ पे 2, जो कि हो जाएगा 162, तो ये आ गया तुम्हारा 162, और यहाँ पे ऑर्डर आ गई 4th। अब देख लो कौन बड़ा है, 162 बड़ा नंबर है एज़ कम्पेयर टू 96, तो 162 क्योंकि बड़ा है इसका मतलब जो राइट साइड का नंबर दिया था वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो नंबर आपको लेफ्ट साइड में दिया था, तो ऐसा मत देख लेना कि अंदर 6 है तो 6 को बड़ा कर दें, पहले पूरा सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद ही डिसाइड करना करके कि वो चीज़ बड़ी रहेगी कि वो चीज़ आपकी छोटी रहेगी, ठीक है, उसको बिना सॉल्व किए डिसाइड मत कर देना कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। अब जैसे अपन एक नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो चीज़ कैसे करने वाले हैं, तुम्हें एक नंबर दिया है उसको बताना है करके कि वो बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा करके। जैसे ये क्वेश्चन है दिया है अंडर रूट ऑफ 24, और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 35। देखो सब अलग अलग है करके, बाहर कोई नंबर है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं अंदर किसी को लेके जाने की, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है तुमको 2 और यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है आपका 3, तो सबसे पहले तुम्हें ऑर्डर जो दिए हैं उनका एलसीएम ले लेना है, तो 2 और 3 इनका एलसीएम हो गया तुम्हारा 6, ठीक है। अब अगर ये एलसीएम हो गया तो अभी क्या करना है, यहाँ पे देखो पहले से कोई ऑर्डर नहीं दिए, मतलब ये ऑर्डर 2 है, अभी कि ऑर्डर 2 को तुम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वो 6 क्रिएट कर दे, तो वो हो गया आपका 3। अगर 3 से उसको अंदर मल्टीप्लाई, मतलब बाहर मल्टीप्लाई किए हो तो अंदर उसको 24 की पावर में देना है, लोग क्या करते हैं 24 × 3 कर देते, उसको पावर में देना है,
वैसे ही इस तरफ में भी, जैसे यहाँ पे पहले से कौन सी ऑर्डर दी हुई है, थ्री, तुम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वो सिक्स बन जाए, तो तुमने मल्टीप्लाई किया उसको टू से, अगर उसको टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अंदर 35 की पावर में भी टू देना है। तो ऐसा करने से देखो यहाँ पे ऑर्डर कितनी क्रिएट हो गई सिक्स, यहाँ पे भी ऑर्डर कितनी क्रिएट हो गई सिक्स। अब जो अंदर में नंबर लिखा हुआ है जैसे 24 का क्यूब, तो 24 का क्यूब हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कैसा स्किप कर दिया था, उसमें 10 तक पावर जा रही थी ना, तो इसका क्यूब करने पे आ जाएगा तुम्हारे पास 13824, और 35 का स्क्वायर करने पे ये चीज़ हो जाएगी 1225। अब देख लो कौन सा नंबर छोटा है, ऑब्वियसली ये 1000 के करीब है और ये 13000 है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब आपका ये बड़ा होगा और ये वाला नंबर आपका कैसा होगा, छोटा। तो अगर ऑर्डर डिफरेंट होगी तो कैसे करना है, मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर है। इसका हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें ठीक से समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन इसको उठा लेते हैं, ये दिया है 15, ठीक है, रेडिकेंट, बाहर में ऑर्डर दी हुई है 6, फिर तुम्हें दिया है अंदर में 12, और फिर यहाँ दिया है 4, बाहर कोई नंबर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे केस में पहले तो ये एलसीएम, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें एलसीएम निकालना आता है, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। कैसे निकालते हैं देखो मैं बता देती हूँ, एक बार भूल गए होगे तो शर ऐसे लिखते हैं अपन 6 और 4, ये 2 के टेबल से किया तो ये 3 और ये हो गया 2, फिर से 2 के टेबल से किया तो ये तो नहीं जाएगा 2 के टेबल से, ये हो जाएगा 1, उसके बाद फिर इसको 3 से करेंगे तो ये 1, और ये तो पहले से 1 था। अभी जो नंबर्स आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 2 × 3 यानी कि ये हो गया आपके पास 12, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, अभी इसको हमें 12 है, तो 6 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 12 क्रिएट कर दे, तो 2 से, तो जो मैं 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ मुझे यहाँ पे 15 की पावर में भी लिखना पड़ेगा। तो जब मैं उसको 15 की पावर में लिख रही हूँ तो 15 का स्क्वायर बन जाएगा 225, यहाँ आ जाएगा 12। सिमिलरली यहाँ पे पहले से मेरे को 4 दिया है, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ कि 12 बन जाए, तो 3 अगर यहाँ दी हूँ तो मेरे को 12 का क्यूब भी करना पड़ेगा, तो ऑर्डर तो मेरी 12 हो गई बट मुझे यहाँ पे 12 का क्यूब निकालना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 को 12 से मल्टीप्लाई करके क्यूब निकाल लोगे तो आएगा 1728। अब देख के पहचान लो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो राइट साइड में जो आपको नंबर दिया था ये बड़ा रहा होगा ऐसे। तो मेरे हिसाब से अब तुम कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, लाइक सर्ड, अनलाइक सर्ड, इस टाइप के सवाल अब कर लोगे। इसके बाद अभी एक और नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड होगा, उसमें हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे वो रैशनलाइजिंग फैक्टर्स के ऊपर सीखेंगे, ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर, और वहाँ से बहुत सिंपल रैशनलाइजेशन करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बस वाली चीज़ तुम्हारा मेन है, अब तुम्हें अगर स्कूल में सवाल आएंगे भी तो उसी टॉपिक में से रिलेटेड आएंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि वहाँ पे जो तुम्हें एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जिस चीज़ की नीड पड़ेगी वो ऑलरेडी कल कर चुके हो, जो काम आर्या और पायल ने किया है होमवर्क आधा अधूरा करने का वाली हरकत अभी दोबारा नहीं होनी चाहिए, दोनों अच्छे से काम में टूट लो अपने। प्रियांशु और आदित्य